नमस्कार, मैं दिनेश शर्मा, फैशन स्टडीज में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको स्लीव लगाना बता रही हूँ कि कमीज के अंदर स्लीव कैसे लगाई जाती है। कई बार बहुत सारी गलतियाँ होती हैं बाजू लगाने में, तो बाजू का सही नाप से अगर हम कटिंग करते हैं तो एकदम परफेक्ट बाजू बनती है। और ये भी ध्यान रखना है कि बाजू जब भी हम लगाते हैं तो बाजू को कभी भी नहीं खींचते हैं, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। ये देखिए, मैंने ना बाजू को पहले मोड़ दिया है, कच्चा कर लिया है, और ये मैंने अपनी साइड की सिलाई लगा दी है। अब इसका क्या करना है, बाजू को सीधी करेंगे, बाजू को सीधी करके इस प्रकार से, और जो है कमीज को, ये देखिए कमीज मैंने तैयार कर रखा है। अब क्या करना है, ये देखो, जब भी हम बाजू को चढ़ाते हैं तब हम क्या करते हैं कि ये देखिए इस प्रकार से यहां से पकड़ते हैं और यहां तक नाप लेते हैं। ये देखो, ये इस प्रकार बिल्कुल इस तरह से आप पहले नाप ले, फिर उसको बनाना शुरू करें। जब आपका ये चीज बिल्कुल बराबर आ जाएगी, इस तरह से नापोगे तो बाजू में चढ़ाने जब चढ़ाते हैं तो कोई भी गलती नहीं होगी बाजू में। तो अब देखिए, मैं देखो बाजू मेरी सीधी है, कमीज जो है मेरा उल्टा है। तो सीधी बाजू इसके अंदर इस प्रकार से लगा देंगे, ये देखिए, और सेंटर में एक कट जरूर लगा लें। इस तरह से लगा के इसको अंदर डाल लें, ये देखो इस प्रकार अंदर डाल करके, और इसको कट को कंधे के जोड़ से मिला लें इस प्रकार से, और इसको मिला करके इस पर पिन लगा लें इस प्रकार, और यहां से पकड़ करके फिर हम इसको यहां इस जोड़ पर, साइड के जोड़ पर, ये देखो इस तरह से पकड़ के, और यहां से सिलना शुरू करेंगे इस प्रकार से। ये देखिए इस तरीके से पकड़ेंगे, और ये देखो ये जो मार्जिन हमने लिया हुआ है इसको इस सिलाई के साथ इस तरह से रख करके बैक साइड में लेके जाएंगे इस तरह, और ऐसे ही जो हमारी साइड की सिलाई है, ये देखिए ये हमारी साइड की सिलाई है, इसको भी बिल्कुल ऐसे ऐसे पकड़ेंगे और इस प्रकार कोना बना करके इसको इस तरह से बैक साइड में ले जाएंगे, दोनों को बैक साइड में ले जाएंगे, और इस प्रकार से रखते हुए इस तरह से, और ये ध्यान रहे कि बाजू कभी भी ना खींचे, इस तरह से पकड़ेंगे। देखो ये हमारा सेंटर है, और इसको इस तरह यहां से पकड़ते हुए इस तरीके से, ये देखो, और देखो ना मैं बाजू को खींचूंगी और ना ही मैं आर्म होल को, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है उस तरीके से अगर आप बाजू को नापेंगे तो बाजू बिल्कुल जो है सही आएगी और कपड़े के अंदर ना झोल भी नहीं आएगा, क्योंकि कई बार बाजू में खिंचाव आ जाता है या मुंडे खींचे जाते हैं। तो इस प्रकार से जब हम नाप करके बाजू को बनाएंगे तो ना बाजू में झोल आएगा और ना ही जो आर्म होल है उनमें भी खिंचाव आएगा, खिंचाव बिल्कुल भी नहीं आएगा इस प्रकार से। ये देखिए ऐसे पकड़ेंगे, इस तरह से लेंगे और इसको पिन को निकाल देंगे, ये मैंने सुई लगाई थी इसको हम निकाल देंगे। ये मैंने इसलिए आपको लगा करके दिखाई है ताकि आप आराम से बाजू को जोड़ लें और आप कोई भी गलती ना करें। इस प्रकार से आप ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल देखो मैंने कहीं से भी न बाजू को खींचा है और ना ही आर्म होल को, मुंडे को भी नहीं खींचा है और ना ही बाजू को भी। अभी मैं लगा करके दिखाती हूँ आपको, इस तरह से लगा करके, और आप इस पर डबल सिलाई लगा दें, देखिए इस प्रकार। अब मैं इसको सीधा करके आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए मैंने ना स्लीव जोड़ दी है और कमीज को सीधा कर लिया है। अब ये देखिए बिल्कुल भी कहीं से भी बाजू और ये आरम होल खींचा हुआ नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट। ये देखिए, तो इस प्रकार से जब आप बाजू को नाप करके और जब कमीज के अंदर जोड़ेंगे तो बिल्कुल भी कहीं से भी ना खिंचाव आएगा और ना बाजू ढीली रहेगी और एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी। धन्यवाद।